तो हाय गाइस, मैं सिल्वेस्टर सिंह, सभी को गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग क्लास 12 का जो बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, उसके एनसीईआरटी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर हमने एडी डाल दिया आपका, सेमीकंडक्टर फिजिक्स न्यूमेरिकल एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, कैसा सेमीकंडक्टर है? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन सोर्स कंसंट्रेशन इज 6×10⁸ मीटर क्यूब। हिंदी वाले जानते हैं कंसंट्रेशन को सांद्रता कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? कहते हैं एनआई। क्या कहते हैं? एनआई। और एनआई वैल्यू कितनी है? 6×10⁸ पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलो, ऑन डोपिंग द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू 9×10⁻¹। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्या होती है? एनई। कितने है कि 9×10⁻¹² पर मीटर क्यूब। आप कह रहा है कि फाइंड न्यू होल्स कंसंट्रेशन, तब न्यू होल की क्या सांद्रता क्या होगी? हिंदी में बता दें सांद्रता क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इसमें फाइंड करवा रहा है कि किस टाइप का ये सेमीकंडक्टर है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे एनई इंटू एन एच इक्वल एन स्क्वायर आई। क्या है? आई। एन स्क्वायर आई। ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है एनएच। क्या फाइंड करना? एनएच। एनआई स्क्वायर अपॉन एनई। एनआई का स्क्वायर 6×10⁸ का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी वालों ने गलती करी है। यहाँ पर 8 जगह 18 लिखा है, 8 जगह लिखा है 18 लिखा है, वो बाय मिस्टेक गलती से लिखने वाले की है 9×10⁻¹². तो बच्चा 6 का स्क्वायर 36×10⁻¹⁶ अपॉन 9×10⁻¹². 9×4 = 36। आंसर आया 4×10⁻¹⁶ से 12 रेस करें कितना आएगा? 4। कितना है बच्चा? 4। इतने क्या है? नंबर ऑफ होल। अब बच्चा आप बताइए, आपने पढ़ी है फिजिक्स कि जब, अब बताइए एनी ग्रेटर है कि एनएच ग्रेटर है? एनी की वैल्यू है 9×10⁻¹², एनएच की वैल्यू है बच्चा, एनएच की वैल्यू है 4×10⁻¹ जो भी हम लोगों ने फाइंड करी। वैल्यू किसकी ज्यादा है बताइए? एनी की वैल्यू ज्यादा है। यस। जब एनी की वैल्यू ज्यादा है तो एन ई इज ग्रेटर देन किससे? एनएच। क्यों? यहाँ पावर 12, यहाँ पावर 4 है, तो ये कई गुना बड़ा है। तो एनी इज ग्रेटर देन एनएच। तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा बताइए? एन टाइप। कैसा होगा? एन टाइप। वेरी गुड। कैसा होगा बच्चा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि नंबर ऑफ सोर मैक्सिमम होते तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है 5×10⁻¹⁸ एटीएम पर मीटर क्यूब। एटम्स पर मीटर क्यूब। एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम। बच्चा ट्राइवेलेंट तो समझ रहे ना, जिसकी वैलेंसी 3 होती है। ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम से। ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम विद 1 ppm। तो ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड सोल कंसंट्रेशन एंड इट इज ni इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चा, ये एल्युमिनियम क्रिस्टल का दिया। किसका दिया? एल्युमिनियम। आपको पता है एटम्स पर एल्युमिनियम क्रिस्टल दिया गया है, तो 5×10⁻¹⁸। और एल्युमिनियम 1 ppm है, तो एक पार्ट कितने का होगा? 10⁻⁶ के। बना पार्ट 10⁻⁶। तो Na की वैल्यू कितनी निकलेगी? एक का मतलब क्या है? एक का एक्सेप्टर क्या कर रहा है?
एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यदि आपका पेंटावेलेंट होता तो क्या करता, एनडी लिखते, क्या लिखते हैं, एनडी लिखते। यहाँ लिखा एन ए एक्सेप्टर एटम, कितना बच्चा 5 × 10^22, 28 से 6 लेस करें कितना आएगा 22 पर मीटर क्यूब। इसको ही हम बोलेंगे NH, नंबर ऑफ होल, 5 × 10^22, पता हो गया। NI पहले से गिवन था बच्चा, यहां साइनिंग नहीं आ रही है, यस कैसे नो, 1.5 × 10^16। आप बोले कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, एनआई कल एनआई स्क्वायर कल एनई इंटू एनएच, ठीक है ना, तो एनई कल एनआई का स्क्वायर अपान एनएच का एनएच, तो एनई इक्वल टू एनआई का स्क्वायर, एनआई का स्क्वायर 5 × 10^16 का होल स्क्वायर बच्चा क्या, होल स्क्वायर अपान एनएच 5 × 10^22, एन इक्वल 15 का स्क्वायर 2.25 और 10^32, 5 × 10^22, तो एन ई बच्चा कितना है 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25, 10^10 कितना आया 10^10, ये क्या आया एन ई, क्या है बच्चा एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें आएगी पर मीटर क्यूब। अब बच्चा इसमें आपसे फाइंड करवाता कि कौन सा डोप है, पी टाइप है कि एन टाइप है, तो आपको पता है कि एन एच ज्यादा है एन ई कम है, तो इसीलिए पी टाइप हो गया, क्या हो गया। और वैसे यहाँ पढ़ने होते हैं ट्राइवेलेंट, क्या बोल रहा है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्या होता है बच्चा पी टाइप सेमी कंडक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, आप लोग सॉल्व करिए इसको। तो गाइस हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इससे ऊपर दो क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आईसीएसई बोर्ड में दो बार आया था, सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया था, अब ये क्वेश्चन थर्ड है यूपी बोर्ड वालों को, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, देखिएगा यदि आपको ये फिजिक्स समझ में आ रही है तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूले बच्चा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना आप पीएन जंक्शन डायोड हाई रेजिस्टर ऑफ 20 वोल्ट, एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका रेजिस्टेंस है कितना 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बोलिए, आर से, किससे आर से, आर कितना है 20 ओम, कितना है 20 ओम। इन एफबी का मतलब है फेसबुक नहीं है, ठीक है ना, क्या है फॉरवर्ड वाइस, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है पता होगा इन फॉरवर्ड वाइस, इफ 0.25 वोल्ट चेंज, इफ 0.25 वोल्ट चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज का जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वाइस का वो वोल्टेज गिवन है हमें 0.25 वोल्ट। अब आगे कह रहा है व्हाट इज चेंज इन डायोड करंट, डायोड करंट में कितना चेंजिंग आएगी, तो इसमें बच्चा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बात सिंपल है, हम लोग जो फार्मूला पढ़े उसी का यूज करेंगे, व्हीकल आईआर, क्या व्हीकल आईआर कैपिटल आर लिख रहे बच्चा, व्हीकल आईआर तो आर इक्वल बी वाई आई, आर इक्वल बी की वैल्यू बोले 0.25, तो हमने भी लिख दिया 0.25। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है सर, आई करना है, आई को लिखना है, आई को लिखना, आई फाइंड करना है, आई कल बी अपन आर, आई कल बी की वैल्यू 0.25 और आर की वैल्यू कितना 20, कितना बच्चा 20, तो आई कल अब इस जीरो को हटाए, ठीक है ना, इस जीरो को हटाए कितना 0.025 ऊपर जाएगा प्लस का नीचे माइनस को जाएगा तो जीरो जीरो जाएगा, अपॉन टू से डिवाइड किया, बाय वाले बेचारे रो रहे होंगे,
ये कैसे कर दिया, अच्छा सीखना पड़ेगा आपको। 0.0125 कैसे आया पता होगा आपको, एम्पियर आपको हमने बताया है, नहीं बताया तो सीख लीजिएगा। यदि फॉरवर्ड वाइज है तो वोल्टेज कितना है 0.25 वोल्ट, करंट किसमें आएगा मिली एम्पियर में। यदि रिवर्स वाइज होता तो 100% माइक्रो में आता 10^-6, तो इसको मिली में बनाए, कैसे बनाएंगे मिली में। आई का देखो तो 1, 2, 3 12.5 मिली एम्पियर इसका आंसर रहा बच्चा। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन सिंपल था बच्चा, केवल हमें इसे मिली में कन्वर्ट कर लेंगे फॉरवर्ड वाइज, तो रिवर्स वाइज होगा तो किसमें आता माइक्रो में। सर दिया यदि आपका आंसर मिली में नहीं आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है फॉरवर्ड वाइज, तो आंसर गलत है। खलास यदि आंसर फॉरवर्ड वाइज है तो किसमें आएगा मिली में आएगा, और यदि रिवर्स वाइज किसमें आएगा माइक्रो में करंट फाइंड होता है बच्चा। और तब वोल्टेज वोल्टेज 0.25 नहीं होता जब रिवर्स वाइज होता, तो वोल्टेज हाई देना पड़ता, 20-10 वोल्टेज ऐसा देना पड़ता। आएगा क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही देखेंगे, इसे नोट करिए बच्चा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा कि आप फोटोडायोड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सेमीकंडक्टर, मतलब एक फोटोडायोड है किससे मैन्युफैक्चर्ड हुआ है फोटोडायोड सेमीकंडक्टर से, एक फोटोडायोड मैन्युफैक्चर्ड किया गया बनाया गया किससे सेमीकंडक्टर से, हूज एनर्जी गैप इज इक्वल 2.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट, एनर्जी गैप कितना है इज इक्वल 2.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट। कह रहा है पहला कैन इट डिटेक्ट अ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, क्या ये 6000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है एनर्जी गैप में इसमें। और सेकेंड बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, जब हमारा ईजी की वैल्यू फाइंड है तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है, ये कितने तक वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है। और कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट गिवन है हमें, सबको पता होना चाहिए 6.62×10^-34 जूल सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी को पता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पता है कि हमें एनर्जी फाइंड करनी है, और एनर्जी इक्वल क्या होता है SC/λ, इक्वल h की वैल्यू है 6.62×10^-34, c की वैल्यू 3×10^8, और लेमडा कितना गिवन है बच्चा, तो लेमडा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट पार्ट में 6000 एंगस्ट्रॉम, सटीक नोट हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-10 मीटर। तो जब ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 6.62×10^-34 × 3×10^, यहां ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 3 0 इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा 7, इसका माइनस का देखिए 1, 2, 3 है, 10^3 किया 10^-10 है, 10 से 10^3 लेस करेंगे 10^-7 बचेगा, 10^7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, पहले से 8 था और -7 ऊपर जाएगा इसका जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, अपान कितना बचेगा 6, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल किया 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6 और 2, 3 जा 6 3.31 इक्वल हमारे पास आएगा 3.31। अब 10^ बचा ध्यान दीजिए इधर 34 है और ये कितना है 15 है ना, यस सर, तो कितना बचेगा हमारे पास इक्वल 3.31 10^-19 कितना आएगा 19। अब आप ये जूल में निकला, किसमें निकला जूल में, यहां में एनर्जी का किसमें गिवन है इलेक्ट्रिक वोल्ट में, हम लोग क्या करेंगे ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक वोल्ट में 3.31 × 10^-19 अपॉन 1.6 10^-19 19 कैंसिल, और पॉइंट से पॉइंट हटाते चलो, इस बन का कोई लेना देना नहीं, बन को ऐसे अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर लेंगे 16 2 जा 32 कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी मीन्स 11 बचेगा।
अब 11 बचेगा तो डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड नहीं होगा तो 2.08 आएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, कितना आएगा 2.08 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब हमारा ग्रेटर कौन है तो यहाँ पर दिख रहा है हमारा इजी ग्रेटर है, ग्रेटर कौन है इजी, किससे इसे। और जब इजी ग्रेटर है सबको पता है कि जब इजी एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, तो 6000 वाले एंगस्ट्रॉम के तरंग वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कराएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था उसे पूछा था कैन इट डिटेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, बोलेंगे नो, क्या बोलेंगे नो। और सेकेंड आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसी का, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा ये एनर्जी फाइंड हुई है, ये एनर्जी गिवन थी 2.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट, इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो हम लोग क्या कुछ नहीं करना है, ईजी इक्वल क्या पुट अप कर देना एससी अपॉन लैम्डा, और ईजी की वैल्यू है 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10^-19। आप इसको किस पे कन्वर्ट कर लिया, जूल में, ठीक है ना। एच की वैल्यू रखेंगे कितना 6.62 10^-34, और सी की वैल्यू सबको पता है 3 × 10^8, यहाँ लेमडा रख देंगे, लेमडा को उठा के यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब लेमडा सॉल्व करेंगे बच्चा तो लेमडा की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी इसमें हमारे पास 2262 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चा इस टाइप से हमारे दोनों पार्ट एंड हुए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एसके सिंह का जय हिंद। इसके साथ आना तो आप